नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और मैं आप लोगों को जावास्क्रिप्ट सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट जो होता है उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब पेज के लिए बनाया गया है और ये क्लाइंट साइड पे रन होता है, इस कारण इसे हम लोग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। और जावास्क्रिप्ट का यूज से हम लोग HTML और CSS के साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि HTML का बटन जो है, जब हम लोग उसमें क्लिक करेंगे और HTML का अदर कोई भी एलिमेंट है उसके साथ अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ये सारा चेंजेस जो होगा वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की मदद से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। और CSS, हम जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम से CSS का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास सीखने से पहले आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML, मतलब कि HTML और CSS, ये दोनों का बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको फुल्ली HTML या फुल्ली CSS मालूम हो, बट HTML जो होता है उसको कैसे लिखते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, CSS को कैसे HTML पेज में अप्लाई करते हैं, CSS का एक्सटेंशन क्या होता है, इतना नॉलेज कम से कम होना जरूरी है। और इस कोर्स को शुरू करना चाहते हैं आप, अगर इस कोर्स को आप सीखना चाहते हैं, जावास्क्रिप्ट को आप सीखना चाहते हैं, तो फिलहाल आपको एक वेब ब्राउजर और एक टेक्स्ट एडिटर, ये दोनों चीज जरूरी है। क्योंकि आप लोग अगर ऑलरेडी, मैंने आपसे कहा है कि आप HTML और CSS ये दोनों चीज आप लोगों को आनी चाहिए, तो HTML और CSS भी अगर आप पहले करते होंगे तो उस वक्त भी आप लोग वेब ब्राउजर और एक टेक्स्ट एडिटर यूज किए होंगे। और इस कोर्स में दोस्तों मैं गूगल क्रोमो और नोटपैड प्लस प्लस का यूज कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्लास जावास्क्रिप्ट का।